अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त एंटवर्पन से शिखारबीक जा रहा हूँ। शिखारबीक उतरने के बाद मुझे 4 मिनट पैदल चलना है और एक स्टॉप है डॉक्स ब्रसल, तो वहाँ से मुझे अंडरग्राउंड यानी मेट्रो लेनी है और उससे मुझे पहुँचना है हेज़ल। तो हेज़ल पहुँचने के बाद मैं वहाँ से तकरीबन 4 से 5 मिनट पैदल चलूँगा। और आज जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है एटोमियम ब्रसल्स। तो वहाँ पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं। शिखारबीक ट्रेन पहुँच गई है, अब यहाँ से नीचे उतरेंगे। अभी यहाँ से 4 से 5 मिनट का पैदल रास्ता है और वहाँ से 7 नंबर मेट्रो लेनी है हमें। ये शिखारबीक ट्रेन स्टेशन है और ये इसकी बिल्डिंग है और ये यहाँ पर स्कूटर खड़े हैं जी। ऐप डाउनलोड करें और चलते बने। और ये लिखा हुआ शिखारबीक गैरेज। शिखारबीक गैरेज फ्रेंच में ट्रेन स्टेशन को कहते हैं। वो सामने ट्राम खड़ी है, ये ट्राम हम लेंगे, नंबर 7 ट्राम है। ये शिखारबीक का थोड़ा सा इधर से व्यू। ये सारा स्टेशन के सामने का व्यू है। रोड क्रॉस करते हैं, उस तरफ स्टॉप नज़र आ रहा है। तो ट्राम 7 जाएगी शिखारबीक से हेज़ल। तो हेज़ल उतरेंगे तो 4 से 5 मिनट बाद हम एटोमियम पहुंच जाएंगे पैदल चल के। ट्राम का ये स्टॉप है प्रिंसेस एलिजबेथ, यहाँ से बैठेंगे और हेज़ल उतरेंगे जाकर। ये टाइम शो कर रहा है, एक ट्राम 5 मिनट के बाद आने वाली है और उसके बाद वाली 14 मिनट के बाद आएगी। ट्राम हमारी आ गई है और ये हेज़ल तक जा रही है और हेज़ल इसका आखिरी स्टॉप है और हमने भी वहीं जाना है। मैं अभी ट्राम में हूँ, ये थोड़ा सा व्यू एटोमियम का इससे देख सकते हैं। मैं यहीं उतर रहा हूँ, अगले स्टॉप पे भी उतर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा वॉक करता हूँ यहाँ से। सेंट लैम्बर्ट्स स्टॉप है ये, यहाँ उतर गया हूँ तो थोड़ी सी वॉक करते हैं एटोमियम की तरफ। ये देखें जी, तो सिर्फ एक स्टॉप पहले उतर गया हूँ मैं, वहाँ से 4 मिनट की वॉक थी, यहाँ से 8 से 10 मिनट की वॉक है। देखिए कितना प्यारा व्यू है, ये स्कूटियाँ खड़ी हैं और वो सामने एटोमियम है। ये यहाँ फुहारा चल रहा है एक और सामने एटोमियम। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। मैं ब्रसल एटोमियम के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। ये एक म्यूजियम है और इसकी कंस्ट्रक्शन 1958 में हुई थी। यहाँ पर एक वर्ल्ड एग्जीबिशन हुई थी, ये उसके लिए ये मोनूमेंट तैयार किया गया था। प्लान ये था कि इसे बाद में ख़त्म कर दिया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो ये आज तक चल रहा है और ये आज बेल्जियम की सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस है। और ये ब्रसल में वाकया है, यहाँ पर 6 लाख से ज़्यादा लोग सालाना विजिट करते हैं। जैसे जैसे करीब जा रहे हैं उतना इसे देखने का मज़ा आ रहा है। देखें ऐसे लग रहा है छोटा से ये बॉल से हैं लेकिन ये बहुत बड़े बड़े बॉल हैं। आप एक बॉल से दूसरे बॉल में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे में चौथे, इन सब बॉल्स में आप घूम सकते हैं। और जो सबसे ऊंचा बॉल आपको नज़र आ रहा है जिस पर बेल्जियम का फ्लैग लगा हुआ है, ये रेस्टोरेंट है एक, और इसमें साइंस म्यूजियम भी है, इसमें बायोस्कोप भी है सारा। अभी आपको चलते हैं, अगर टिकट मिल गया तो दिखाते हैं आपको। टिकट का बहुत प्रॉब्लम है, मुझे ऑनलाइन टिकट नहीं मिला था लेकिन यहाँ पर टिकट आप लाइन में लग के भी ले सकते हैं। तो अगर चांस मिला तो अभी आपको अंदर से भी दिखाते हैं इसके कुछ बॉल्स।
काफ़ी सारे पुलिस वाले मोटरसाइकिलों पे खड़े हैं यहाँ पर। तो ब्रसेल एयरपोर्ट भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पीछे फ्लाइट लैंड कर रही है। बहुत सारे टूरिस्ट बसों पे आते हैं यहाँ पर। तो अभी हम उसके नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं एटोमियम के, थोड़ा और करीब से उसका व्यू। जुमेरात है, थर्सडे है, तो फ्राइडे सैटरडे संडे बहुत रश होता है और 7 डेज ये खुला रहता है। अभी एटोमियम के बिल्कुल पास आ गए हैं जी, बल्कि यूं कह के ये बॉल्स के बिल्कुल नीचे घूम रहा हूँ मैं। ये सबसे नीचे एक बॉल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉल्स हैं टोटल इसके। ये देखें एटोमियम का व्यू थोड़ा सा दूसरी तरफ से। ये अब मैं इस तरफ आ गया हूँ और थोड़ा इधर को जा रहा हूँ। अगर ऑनलाइन टिकट ना मिले तो यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, तो मैंने अपनी टिकट ले ली है। तो ये इस तरफ एटोमियम एंट्रेंस है, तो मैं अंदर जा रहा हूँ। कुछ लोग सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जाते हैं, लेकिन मैं लिफ्ट से जाऊँगा जो कि दुनिया की तेज़ तरीन लिफ्टों में से एक लिफ्ट है। तो ऊपर से नीचे को सीढ़ियों के रास्ते आऊँगा मुख्तलिफ बाल से होते हुए। तो आइए अंदर चलते हैं। ये हम अंदर आ रहे हैं जी, और यहाँ तो काफ़ी लाइन लगी हुई है। पता नहीं कितने बजे बारी आएगी। देखिए लाइन, ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। तो हम लिफ्ट से जाएंगे और सीढ़ियों से नीचे आएंगे। इस वक्त मैं एटोमियम के अंदर हूँ और वेट कर रहा हूँ ऊपर जाने के लिए। ये एटोमियम का मॉडल रखा हुआ है यहाँ पे उन्होंने, एक छोटा, एक उससे बड़ा, एक सबसे बड़ा। इस एटोमियम की हाइट जो है 102 मीटर है और इसके ऊपर 9 बाल हैं जिनको आप विज़िट कर सकते हैं। एटोमियम की लिफ्ट में बैठ चुके हैं जी, ऊपर जा रहे हैं अभी हम। स्पीड चेक करें, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से ऊपर जा रहे हैं। ये टॉप फ्लोर पे पहुंच गए हैं जी हम अभी, और यहाँ से पूरे ब्रसेल का नीचे अब व्यू कर सकते हैं, नज़ारा कर सकते हैं। सारा व्यू ये एटोमियम के टॉप के बॉल से सारा नीचे नज़र आ रहा है। ये पूरे ब्रसेल शहर का व्यू है, ये चारों तरफ घूम के आपको दिखाता हूँ मैं। ये इस तरफ से देखें, ये ब्रसेल का व्यू थोड़ा सा इस तरफ से, और ये एक मॉल भी नीचे नज़र आ रहा है एटोमियम का। मैंने सोचा था कि सबसे टॉप फ्लोर पे जाता हूँ और वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे, ये ऐसा नहीं है यहाँ पे। अगर आप टॉप फ्लोर पे आए हैं लिफ्ट से, तो लिफ्ट से ही आपको नीचे जाना है, और फिर नीचे से आप पैदल चलते हुए ऊपर आएँ, फिर ऊपर से आप चाहे पैदल चलते हुए नीचे जाएँ। लेकिन अगर आपने वॉक करते हुए मुख्तलिफ बॉल से होते हुए आना है, तो आपको नीचे से ऊपर आना होगा। इस मशीन में आप 2 यूरो का कॉइन डालें तो आप एटोमियम का सुवनीर निकाल सकते हैं, बैंक कार्ड से भी पे कर सकते हैं। ये देखिए एटोमियम के सबसे टॉप के बॉल पे हैं हम इस वक्त, और ये इस तरफ से व्यू है ब्रसेल्स का। ये कितना प्यारा व्यू है नीचे, ये एटोमियम ब्रसेल से है। ये देखें जी इस तरफ से व्यू, ये एटोमियम का बॉल एक इस तरफ भी नज़र आ रहा है। देखिए कितना प्यारा व्यू है। और ये व्यू फिर मिनी यूरोप की तरफ, देखिए कितना खूबसूरत है, नीचे फुटबॉल स्टेडियम है। अभी लिफ्ट से नीचे जा रहे हैं, और ये देखिए स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा रफ्तार से चल रही है। Sì, sì, ma non so, ma magari ce ne vuole 0 da cui c'è un giro.
Escalators to the left to come to the left. बाहर की तरफ जाएंगे थोड़ा सा नीचे के बाद आप इस एस्केलेटर से जाएं और सब डिस्कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा एस्केलेटर से ऊपर जाते हैं और देखते हैं, ये देखिए कैसे बना हुआ है ये। और ये अभी हम पहले बॉल पे पहुंचने वाले हैं, इससे पहले टॉप का बॉल विजिट करके हैं, अब ये पहले बॉल पे हैं। तो अगर आपने मज़ीद बॉल्स विज़िट करने हैं तो फिर आपको ये सीढ़ियों के रास्ते जाना होगा। इससे ऊपर एस्केलेटर नहीं है, एस्केलेटर सिर्फ पहले बॉल तक है। और ये एटोमियम का मॉडल रखा है इन्होंने यहाँ पे, तो मैं तो नीचे जा रहा हूँ, सब इसी तरह है। नीचे उतरने के लिए आपको सीढ़ियों से नीचे जाना है, कोई लिफ्ट एस्केलेटर नहीं है, सिर्फ टॉप फ्लोर पे जाने के लिए लिफ्ट है और टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर आने के लिए लिफ्ट है। यहाँ से हम बाहर जा रहे हैं जी, नो रिटर्न। और ये एक शॉप है, इससे गुजर के आपको बाहर जाना है। तो ये था आज का हमारा एटोमियम का व्लॉग, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। ये मराकिश के लोग, शादी का कल्चर है ये उनका। और ये एटोमियम के पास उनकी गाड़ियाँ गुजर रही हैं और इन्होंने स्पेशल परमिशन ली होती है हॉर्न बजाने की, वरना हॉर्न बजाने की इजाज़त नहीं है।